देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हैदर, अगर ये आवाज आप करें तो एक और बार कीजिए। हैदर, अगर आप अब यही हैं तो दो बार आवाज कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी इधर आइए प्लीज। हैदर और गजल यहीं मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मैंने कहा था ना आपसे, जो आंखें देख नहीं सकती कान सुन तो सकते हैं। हैदर और गजल यहीं है, ये मलबा हटाइए अभी। मिश्रा, रेस्क्यू टीम को भेजो फौरन। प्लीज आगे खोलिए। हैदर, हैदर, शुक्रिया मेरा इंतजार करने के लिए, शुक्रिया हिम्मत ना हारने के लिए, शुक्रिया हैदर मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए। पहले तो बचाती हो फिर शुक्रिया बोलती हो, कैसी लड़की हो यार। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हैदर कि आप सलामत हैं। गजल, रुहान हैदर को पकड़ो। रुहान, भाभी मैं संभालता हूँ, भाई रुको, मैं गजल को उठाती हूँ। गजल भाई, अब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हो। गजल, गजल आके खोलो, उठो ना गजल। गजल आके खोलो। देखो, तुमसे दोस्ती तोड़ना मेरी मजबूरी थी, अब इस घर के सुकून के लिए मैं एक और फर्ज निभाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ता है, जो बातचीत है, सब खत्म हो जाए। इसकी इतनी बड़ी सजा दोगी तुम मुझे? हमारी दोस्ती के लिए तुम्हें उठना होगा। गजल उठो ना। माना कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, पर उसकी इतनी बड़ी सजा दोगी क्या मुझे? इस तरह रुक जाओगी? हमारी दोस्ती के लिए तुम्हें उठना होगा। गजल उठो, गजल। गजल, गजल उठो। किसी के पास पानी है क्या? देखो जल्दी। Come on यार, कोई नोर आंखें खोलो प्लीज। गजल ऐसी भी क्या नाराजगी? अच्छा, मेरी बात नहीं माननी ना, कोई बात नहीं, कम से कम अपने अधूरे ख्वाबों के लिए तो उठ जा। तुम्ही ने कहा था ना, जब तुम मेरी जिंदगी देखती हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि काश तुम्हारी जिंदगी में भी कोई होता जिसे तुम प्यार करती, जिसे तुम मोहब्बत करती, जो तुमसे मोहब्बत करता, कि काश तुम्हारा भी घर खानदान होता,
क्या पता गजल तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे आसपास हो। उठ शाना, अपनी अधूरी मोहब्बत के लिए उठ जाओ। गजल, ये गजल। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ोगे ना? शुक्रिया अल्लाह का कि सब ठीक है। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उठो आराम से। भैया बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। आज अरे अब क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक है। ऐसा सोचो जैसे कोई भयानक सपना था, पर अब सब ठीक है। कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आज तुम नहीं होती तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें बचाने वाले तो अल्लाह मियां है। मैंने तो बस कोशिश की, और करती भी क्यों नहीं? आखिर मैंने तुमसे दोस्ती की है ना, और अब तुम हमेशा के लिए दोस्त हैं, जिंदगी भर के लिए। सोच लो, बहुत बड़ी बात कह रही हो तुम। कल को अगर तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं, तब भी नहीं जाऊंगी। बच्चों से बात नहीं हो पा रही है। ना हैदर का फोन लग रहा है, ना दुआ का, और ना ही रूहान का। करें तो करें क्या? नूर, खड़ी खड़ी कर क्या रही हो तुम? मैंने क्या कहा था तुमसे? लगातार अपने भाई को फोन करो। जाओ जाके करो उसे फोन। कायनात बेटा, तुम भी जाके ट्राई करो कॉल लगाने की। किसी का भी कॉल लगता है तो तुरंत बताना हमें। इसी बात का तो डर था मुझे। मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मिल रही है। मैं गुनहगार हूं। सब मेरी वजह से हो रहा है। उनका कोई कसूर नहीं। मेरे गुनाहों की सजा भुगत रहे वो। गुनाह हो गया, गुनाह हो गया, गुनाह हो गया। पता नहीं कौन सा गुनाह कर बैठी है ये, जिसकी सजा मेरे बेटे को मिल रही है। अरे वहां सिर्फ रूहान नहीं, हैदर, दुआ, फंसे हुए। पता नहीं बच्चे किस हालत में होंगे। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही। नहीं हीना बीबी, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। हमारे बच्चे कमजोर नहीं है, शेर दिल है हमारे बच्चे। कुछ नहीं होगा, यकीन रखो।
यही अल्लाह मियाँ का इंसाफ है। याद है मेरी वजह से उस मासूम बच्चे की जिंदगी से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली गई थी। मारो इसे, मारो इसे, पूछो इसे, कहाँ है वो? इसीलिए मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने बर्बाद कर दिया मेरे बच्चों को। नीना होश में आओ। नीना कुछ नहीं होगा, यकीन करो। अल्लाह का इंसाफ इतना भी बेरहम नहीं है कि एक मां से उसके बच्चे छीन ले। होश में आओ। राज साहब, अगर बच्चों को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो बेचारी दुआ मुझे मां का दर्जा देती है। उसे क्या पता जिस औरत की वो इतनी इज्जत करती है वो तो एक मुजरिम है। हीना, अभी कुछ मत कर। गुनाह किया है मैंने। मैंने सबको रात साहब सबको अंधेरे में रखा। धोखा दिया है मैंने अपने बच्चों को। हीना अभी कुछ मत कहो। खुदा की कसम राज साहब, आज अगर मेरे बच्चे सही सलामत घर वापस आ गए ना तो मैं दुआ के सामने अपना गुनाह कबूल करूंगी। जो राज मैंने 22 सालों से छिपा कर रखा है वो आज मैं उसे पूरा सच बता दूंगी। अच्छा अभी कुछ मत बोल, मेरी बात सुन। यहां बैठो, यहां बैठो। तुम बस आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लो, आराम करने की कोशिश करो। ही ना बच्चे घर वापस आ जाएंगे, सब्र रखो। ये मिया भीना, क्या जरूरत थी हीना को चुप कराने की? पता तो चलता कि हीना ने क्या गुनाह किया है। गजल खेलो, थोड़ा पानी पी लो। और चाहिए? हैदर आप ठीक तो हैं? कितनी चोट आ गई आपको? नूर आज तो तुमने डरा ही दिया, मेरी जान ही निकल गई थी। मैं घर पर बता देता हूं कि सब ठीक है। किसी का फोन नहीं लग रहा है। घर में सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, हम लोग को फौरन निकलना चाहिए। रूहान पर गजल को काफी चोट आई है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उसे अस्पताल जाने की जरूरत है। अच्छी वो डॉक्टर अंसारी को उनको घर पे बुला लेंगे ना।
रुहान। या अल्लाह रुहान, इधर लेके आइए। इधर बैठो, बैठो इधर, इधर। तुम ठीक तो हो रुहान? बहुत खुल गया। प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। मिश्रा, पैरामेडिक्स फौरन। यहाँ यहाँ हाथ, प्रेशर दो इधर। या अल्लाह, बहुत खून आ रहा है ये तो। रुहान तुम ठीक हो? मैं कब से कह रहा हूँ कि हमारा यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। प्लीज यहाँ से निकलिए इससे पहले कि किसी और को चोट लगे। कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। भाई भाई भाई, ठीक हूँ ठीक हूँ मैं, ज्यादा ज्यादा नहीं चोट लगी। मैं तुम चुप रहो यार, आले देख लो अपनी। गजल, तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, और उसके बाद तुम हमारे घर पे आराम कर लेना। नहीं नहीं दुआ, मुझे मुझे अपने घर जाना है अभी। अब खुदा करे मेरा घर सही सलामत हो। पता नहीं यहाँ से रिक्शा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब मुझे मुझे अभी वहां पर फौरन पहुंचना होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? जान है तो जहान है, और फिलहाल आप तीनों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तुम फालतू बातें मत करो, चलो। नहीं नहीं दुआ, तुम समझ नहीं रही हो। वो मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं है, वो मेरे अब्बू की आखिरी निशानी। मुझे अपने घर जाना ही होगा, मेरा घर मेरे लिए सब कुछ है दुआ। पता नहीं, मेरा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरे घर का क्या हाल होगा। मुझे मुझे फौरन वहां पर पहुंचना होगा। सर सर, वो करीम चौक का कोई आइडिया है आपको? तो आप करीम चौक में रहती हैं? जी। शुक्र मनाइए कि आप वहां नहीं थी। एक भी पुराना घर बचा नहीं है, पूरा का पूरा मोहल्ला कब्रिस्तान बन गया है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा घर तबाह नहीं हो सकता, वो मेरे अब्बू का घर है। मुझे मुझे फौरन वहां जाना होगा। सर सर, आप प्लीज आप अपनी गाड़ी में मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे लोग क्या कह रहे हैं? वो जगह जाने लायक नहीं है, और तुम चलने की हालत में हो क्या? प्लीज हर बात में जिद मत किया करो। एक मिनट है इधर। गजल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मैं रवि भाई और किसी स्टाफ को तुम्हारा घर देखने के लिए भेज दूंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ होगा। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। दुआ, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर जाना है। तुम शायद फील नहीं कर पा रही हो जो मैं फील कर पा रही हूँ। हुआ, उस घर में मेरे अब्बू की यादें बसती हैं। तुम लोग तो अपनी फैमिली के पास चले जाओगे ना, लेकिन मैं मेरे लिए तो वो घर ही मेरी फैमिली है दुआ, और फैमिली से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। देखो, मैं समझ रही हूँ, पर मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मुझे बस मेरे घर जाना। सरोर मैडम, आपका फर्स्ट एड भी कर देते हैं, आइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर जाना है अभी के अभी। दुआ, मैं गजल को लेके उसके घर जाता हूँ, ठीक है? एक काम करो, हाँ, तुम ना रुहान को लेकर डॉक्टर अंसारी के पास जाओ, बहुत छोटा ही है इसे। डॉक्टर अंसारी भी अस्पताल में होंगे, ब्रॉन्क्स पे, प्लीज। और हाँ, घर वालों को कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी फिक्र में आधी हो रही होगी। हैदर, फिर आपको भी तो इतनी चोट आई है, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती इसे। प्लीज समझाओ, मैं गजल को उसके घर तक लेके जाता हूँ, मैं उसको छोड़ के मैं भी डॉक्टर के पास मिलूंगा तुम्हें, ठीक है? नहीं हैदर, बिल्कुल भी नहीं। वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं गजल के साथ चली जाऊंगी। नहीं तो कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं नहीं चाहता कोई किस्म का खतरा तुम पर आए। प्लीज तुम रुहान को लेकर जाओ। हैदर, पर प्लीज
मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। जाओ। भाई भाई मुझे इतनी भी ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ, मैं गजल को ड्रॉप कर दूंगा। डांट खाने का तुम्हें शौक है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, हालत देख रहे हो अपनी। तुम सीधा अपना चेकअप कराने जाओगे रोहान भाई? दुआ, नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे। दुआ प्लीज इसे ना, ख्याल रखो अपना। चलो। अरे आराम से आराम से। शुक्र है अल्लाह का कि हैदर और गजल ठीक हैं। अल्लाह करे गजल का घर भी सलामत हो। बस पता नहीं क्यों आज जब हैदर मुझसे दूर जा रहे हैं तो दिल घबरा रहा है। खुदा करे सब खैरियत हो और हैदर जल्दी से वापस घर आ जाएं।